हाय दोस्तों, मैं हूँ रियाज, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मुंबई से लखनऊ का सफ़र कितना खूबसूरत है। तो देखते रहिए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दोस्तों यह है डोमेस्टिक एयरपोर्ट सांता क्रूज, यानी बिलेपार्ला ईस्ट में, जहाँ से अभी मैं सफ़र तय करूँगा यहाँ से लखनऊ। यह है एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा। दोस्तों, मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं, विले पार्ले ईस्ट, और यहां से अब मैं 7:30 की फ्लाइट से, गो फास्ट से, लखनऊ निकलूंगा। ये है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। मेरी चेकिंग हो गई है, बैग जा चुका है। अब मैं गेट नंबर 24 से फ्लाइट है मेरी। तो आखिर मैं किसी तरह, आज मोदी जी आए थे हमारे मुंबई में, इस वजह से ट्रैफिक बहुत खतरनाक थी, इतनी खतरनाक थी तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं एयरपोर्ट पहुंच पाऊंगा। लेकिन आधे रास्ते में गाड़ी छोड़कर वॉक करके मैं एयरपोर्ट के अंदर आया हूं किसी तरह, और इस वक्त सारी चीज़ें हो गई, एयरपोर्ट के अंदर आ गया हूं। गेट नंबर 24 से मुझे लखनऊ वाली फ़्लाइट मिलेगी, और बस 7:30 को मेरी फ़्लाइट है। और ये देखिए, एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ। बहुत खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, देखिए। यहाँ चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, मतलब जो भी चाहो कर सकते हो। कुछ लगता नहीं इसमें, बस सिर्फ पैसा लगता है। तो हम आपको बताते जाएंगे, कोशिश करेंगे लखनऊ एयरपोर्ट में भी, फ्लाइट में भी कुछ आपको दिखाने जैसा लगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। फ़िलहाल ये है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। फ्लाइट की तरफ बढ़ रहा हूँ, मुंबई से लखनऊ की। ये मेरी फ्लाइट है, यही फ्लाइट है जिसमें अभी मैं सफ़र करूँगा। दोस्तों लखनऊ में मुलाकात होगी आपसे। बाय बाय। दोस्तों, लखनऊ पहुंच चुका हूं। ये लखनऊ अमौसी अड्डा। दोस्तों, ये है लखनऊ अमौसी अड्डा। इस वक्त बजे हैं 9:30। हाय फ्रेंड, इस वक्त मैं लखनऊ पहुंच चुका हूं मुंबई से, और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, बहुत प्यारा, अच्छे लोग भी मिलते गए। और इस वक्त मैं लगेज जहां से लेना है वहां पर खड़ूँ। यह है लखनऊ का अमौसी हवाई अड्डा, जहां से लगेज गेट 2 नंबर पे मेरा, यहां देखो अभी लगेज आएगा। यहां से लगेज आने के बाद फिर हम यहां से निकलेंगे। बाय दोस्तों, ये अमौसी हवाई अड्डा, हम एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं। देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा है, देखिए। दोस्तों, ठंड बहुत ज़्यादा है जिसका अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन अब बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। चलिए फिर कोई अच्छी जगह लखनऊ की दिखी तो आपको दिखाएंगे।